दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना एओ कोड कैसे पता कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपना एरिया पिन कोड डाल के कैसे अपना एओ कोड पता कर सकते हैं और आपका जो एग्जैक्ट एओ कोड है वही आप अपना एरिया पिन कोड डाल के सर्च कर सकते हैं। जब भी हम अपना पैन कार्ड ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड पे अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको एक कॉलम देखने को मिलता है एओ कोड का। बिना एओ कोड फिल किए आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में हमें ये भी डर होता है कि कहीं हम अपने पैन कार्ड में गलत एओ कोड ना सिलेक्ट कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जब भी आप NSDL पोर्टल के थ्रू अपना पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको एक पेज यहां पे मिलता है एओ कोड फिल करने का। तो अगर आपको अपना एओ कोड नहीं मालूम है तो आप यहां पे सर्च भी कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको यहां पे इंडियन सिटीजंस वाले ऑप्शन पे टिक करना है। यहां पे अपना स्टेट चूज करेंगे, आप किस स्टेट से हैं। उसके बाद आपको यहां पे सिटी चूज करना होगा, तो आपका जो भी सिटी है वो सिटी आपको यहाँ पे चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लखनऊ लिखा, उसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने काफी सारे एओ कोड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो इतने सारे एओ कोड्स देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप एग्जैक्ट अपना एओ कोड नहीं जान पाएंगे कि हमारा एओ कोड क्या है, और इसके डिस्क्रिप्शन को अगर आप रीड करेंगे तो आपको काफी टाइम भी लग जाएगा। तो चलिए हम इसका एक शॉर्टकट निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे आप एग्जैक्ट अपना एओ कोड पता कर सकते हैं। सो आपको इस विंडो को क्लोज नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सेव ड्राफ्ट का, इस पे आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपने जो भी फॉर्म में अभी तक इतना डिटेल्स फिल किया था वो सभी सेव रहेंगे और डिलीट नहीं होंगे। अब आपको करना क्या है, आपको एक नया टैब ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है UTI पैन अप्लाई। सर्च करते ही आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा पैन कार्ड अप्लाई UTIITSL, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको अप्लाई न्यू पैन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं दोबारा से पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपना एग्जैक्ट एओ कोड फाइंड करेंगे। क्योंकि एग्जैक्ट एओ कोड फाइंड करने के लिए आपको NSDL की वेबसाइट पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको सर्च करना होता है, बट UTI के पोर्टल से आप डायरेक्टली अपना एओ कोड फाइंड कर सकते हैं। और तो और इसमें एक और बेनिफिट है, आपको यहाँ पे पैन कार्ड का पेमेंट नहीं करना है, उससे पहले ही आपका जो एओ कोड है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम फटाफट यहाँ से अपना एओ कोड निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चूज करेंगे इंडिविजुअल और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी एक ऑप्शन चूज करेंगे, उसके बाद सबमिट। यहाँ पे आपको अपना टाइटल चूज करना है और आपका जो भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी नाम डाल दिया, और यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको चूज करना है नो। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में आपको रेसिडेंस वाला ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे रेसिडेंस स्टेट आपको चूज करना है, आपका कौन सा स्टेट है। उसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे अपने आधार कार्ड नंबर को फिल करेंगे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे प्रूफ में आप कोई भी प्रूफ चूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं यहाँ पे तीनों में ही आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे अपना ISD कोड चूज करना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंडिया। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स का डिटेल डाल सकते हैं, मदर या फादर। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, तो एड्रेस आपको बिल्कुल करेक्ट डालना है, तो ही आपका जो एरिया कोड है वो मिल पाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लखनऊ डाल दिया है, स्टेट उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे जो भी एरिया पिन कोड है आपका, वो एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एरिया पिन कोड है 226021। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आप सोर्स ऑफ इनकम चूज करेंगे, अगर इनकम नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गेट एओ डिटेल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो एओ कोड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल रहेगा, आपको जस्ट ओके करना है और आपका जो एओ कोड है यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। यानी कि जो हमने सिटी और एरिया पिन कोड सिलेक्ट किया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो एओ कोड है वो ऑटोमेटिक शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको एओ कोड देख लेना है, LKNW235 है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जाएंगे NSDL के पेज पे और यहाँ पे आपको करना क्या है, इंडियन सिटीजन चूज करेंगे, यहाँ पे हम चूज करेंगे सिटी, यहाँ पे आपको सर्च करना है 23 एंड 5।
तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे मिल चुका है LKNW935, यानी कि यही AO कोड हमें चूज करना होगा। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एरिया कोड फिल हो जाएगा। एंड उसके बाद आप नीचे आएंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और जो भी डिटेल्स आपकी बची हुई है वो सभी डिटेल्स फिल करके आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरह आप काफी आसानी से अपना एरिया पिन कोड डाल के सर्च कर सकते हैं कि आपका AO कोड क्या है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें अपना AO कोड खोजने में प्रॉब्लम आ रही है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें AO कोड खोजने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है या फिर कुछ और जानना चाहते हैं या फिर अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपना पैन कार्ड ऑफलाइन मोड में अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 49A की जरूरत पड़ती है। अगर आप उस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।